ब्रिटेन के सैकड़ों साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जिस हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कभी राज किया उसी हिंदुस्तानी मूल के ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। लिज ट्रस के इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे ऋषि सुनक अब अपनी कैबिनेट तैयार करने में जुट गए हैं, जिनमें तमाम नेताओं के साथ ही स्वेला ब्रेवरमैन को भी जगह दी गई, जिन पर हिंदुस्तानी विरोधी होने का ठप्पा इससे पहले लग चुका है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही ऋषि सुनक एक्शन में आ गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी कैबिनेट टीम तैयार करना बेहतर समझा, क्योंकि इसी के दम पर वो ब्रिटेन को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का अपना वादा पूरा कर सकते हैं। यही वजह है कि मंगलवार को ही प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले ऋषि सुनक ने लिज ट्रस की टीम के तमाम मंत्रियों को जहां बर्खास्त कर दिया, तो वहीं स्वेला ब्रेवरमैन नाम की एक ऐसी भारतीय मूल की महिला को अपनी कैबिनेट में जगह दे दी जिनकी पहचान ही हिंदुस्तान विरोधी नेता के तौर पर है। दरअसल स्वेला ब्रेवरमैन एक ऐसी नेता है जो पूर्व पीएम लिज ट्रस की सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही थी, और लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद जब ऋषि सुनक पीएम बने तो उन्होंने भी स्वेला ब्रेवरमैन को अपनी कैबिनेट में जगह दे दी और उन्हें गृह मंत्री बना दिया। स्वेला ब्रेवरमैन वैसे तो भारतीय मूल की हैं, उनकी माँ उमा और पिता क्रिस्टी फर्नांडीज दोनों भारत के रहने वाले हैं और 1960 में मॉरिशस और केन्या होते हुए वो ब्रिटेन चले गए थे। वैसे स्वेला ब्रेवरमैन भले ही भारतीय मूल की महिला नेता हों, लेकिन वो भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर चिंता जता चुकी हैं। लिज ट्रस की सरकार में गृह मंत्री रहते हुए स्वेला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे भारत के साथ खुली सीमा की नीति को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों ने जब ब्रेग्जिट को चुना था तब इसलिए वोट नहीं किया था। ब्रिटेन में वीजा समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी ही रहते हैं, छात्रों और कारोबारियों के लिए कुछ नरमी बरती जा सकती है। स्वेला ब्रेवरमैन का भारत को लेकर दिया गया ये बयान तत्कालीन प्रधानमंत्री लिज ट्रस के रुख से बिल्कुल अलग था, क्योंकि लिज ट्रस चाहती थी कि भारत के साथ व्यापार समझौते को इसी साल दिवाली तक पूरा कर लिया जाए, जबकि स्वेला ने भारत के साथ हो रहे व्यापारिक समझौते को लेकर चिंता जाहिर की। व्यापार समझौते की वजह से ब्रिटेन में आने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ सकती है और इससे ब्रेग्जिट के मकसद को भी नुकसान पहुंच सकता है। भारतीय मूल की होने के बावजूद भारत के बारे में ऐसी सोच रखने वाली स्वेला ब्रेवरमैन को पीएम ऋषि सुनक ने अपनी सरकार में गृह मंत्री जैसा अहम पद दिया है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री और कानून मंत्री के रूप में काम करने वाले डोमिनिक राब को पीएम सुनक ने दोनों पदों पर फिर से नियुक्त कर दिया, जबकि बेन बालिस को रक्षा मंत्री और नदीम जहावी को टोरी पार्टी का अध्यक्ष और बिना विभाग का मंत्री बनाया गया। बहरहाल जिस तरह से पीएम ऋषि सुनक ने भारत विरोधी सोच रखने वाली स्वेला ब्रेवरमैन को अपनी सरकार में जगह दी है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।